हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम बाय फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा होता है जो हमें कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में और जॉब लाइफ में हमेशा हर जगह काम आता है। इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर्स क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके रास्ते में एक पोल पड़ रहा है। ये पोल है, ये पड़ रहा है, इस पोल को वो 9 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है। तो हमसे पूछा गया, अगर 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है और स्पीड ये है तो इसकी ट्रेन की लंबाई बताओ आप। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए 120 मीटर, 180 मीटर, 324 एंड 150 मीटर। तो हमें इसमें से राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए किस तरह से बेसिकली सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, वी आर कन्वर्टिंग किलोमीटर हॉर्स वैल्यू इनटू मीटर एंड सेकंड। हमको सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेकंड में। अब बेसिक सब फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मीन्स स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। उसी प्रकार 1 आवर्स बराबर 3600 यानी 3600 सेकेंड, यानी कि एक घंटे में इतने सेकेंड होते हैं। देन अब हमको डिवाइड करना है किलोमीटर हॉर्स, ये हमारा किलोमीटर हॉर्स हो गया, इनको मीटर और सेकेंड में करना है। तो हम ये मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 0 0 2 0 करेगा 10 आवर, ये आएगा। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं डिवाइडेड, देन आएगा 10 आवर ये। ठीक है, किस तरह से सिंपल सा है, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 1000 ऊपर, 3600 नीचे। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी और डिवाइड करेंगे तो अब आएगा 5/10 मीटर सेकंड हो रहा है। नेक्स्ट, देयरफॉर 1 किलो आवर बराबर इतने होते हैं, सिंपल है, 60 किलोमीटर है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन जानने के लिए इक्वल टू स्पीड, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, स्पीड है 60 एंड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम हमने अभी निकाला, ये इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 ये हमारी 60 हो गया हमारा स्पीड और ये टाइमिंग हो गया और ये 9 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 लिखा है। इस तरह से डिवाइड किया है, ये 50/3 आया। 50/3 कैसे आया, फटाक से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये 60 हो गया मल्टीप्लाई क्या बोला है, 5/18 या दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 9 होगा और ये 2 से डिवाइड होगा 30 होगा। देन ये 3 से डिवाइड होगा 3 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 50 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइडेशन होगा, देन आंसर आपका 150 मीटर हो गया। आपका डी आंसर करेक्ट हो गया है। आप ये पूछ सकते हो क्यों 9 से कन्वर्ट किया, बिकॉज टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन गिवन टर्म्स ऑफ सेकंड, ये सेकंड में पूछा गया है। एंड द फोर्थ ऑप्शन आर द टर्म्स ऑफ मीटर, ये मीटर में है, बट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज गिवन टर्म ऑफ किलोमीटर एंड सेकंड में, सो दैट वी कैन नॉट वैल्यू फ्रॉम द मीटर एंड सेकंड। ठीक है, आप लोग